हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है महेंद्र रोज सर। तो डियर, आज के लेक्चर में हम आपके लिए हमारी जो अगली गुरु नीति है फिजिक्स की 23 वो लेकर आए हैं। मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया सर, 22 गुरु नीतियाँ जा चुकी हैं और ये 23वीं है, जिसमें डियर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। फर्स्ट वाले पोर्शन 23 जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट है और 24 जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सेकेंड है। तो इसके फर्स्ट पोर्शन में हमने एक तो बायो सेवर्ट्स लॉ, एक एम्पियर्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनकी कैलकुलेशंस ही किए। सेकेंड पार्ट में चार्ज पार्टिकल के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्सेस और लूप पर जो करंट टॉर्क जो फील होता है, यस सर, उसको अपन ने रखा है। यस तो सर स्टार्ट करें। यस सर, बिल्कुल सर, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज कैप्ड पैरेलल टू ए स्क्वायर कॉइल, बोथ कैरी करंट ऑफ द सेम अमाउंट। इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट एनी पॉइंट पी विद इन द कॉइल इज B1, then the total magnetic induction B at point P. देखो, ये square जो loop है, इसके अंदर यहाँ पे एक point P है। इस P point पे देखें, तो इस wire की वजह से magnetic field जो होगा B1 की direction जो है, वो inward direction में जाएगी, ठीक है? और ये जो loop है, इस loop की वजह से magnetic field जो produce होगा, वो क्या रहेगा? B loop हम consider करें, वो भी inward direction में। तो net magnetic field जो होगा, वो दोनों vector quantity है और same direction है, addition हो जाएगा। इसका मतलब B net जो होगा, वो simple addition of B 1 plus B plus B L रहेगा। It's mean ये जो B net magnetic field है, वो 1 से क्या रहेगा? Greater than रहेगा। तो इसके according अपना answer second होगा। चलिए जी सर, next आगे बात करते हैं। Next question, question number 2 जो है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था, इक्वल करंट I फ्लोज इन टू सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कुलर लूप इन द डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ द लूप इज A, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप। कि इस वाले केस में इधर से करंट I फ्लो कर रहा है, इधर से करंट I फ्लो कर रहा है, और मेरे को सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतलानी है। जनरली क्या है ना, इस वाले में फर्स्ट वाला ऑप्शन रहता है 0, और ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, उसका आंसर है। yes, तो बच्चे क्या रट के रखते हैं, उस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये वायर इस टाइप से आता है, इसमें से कुछ करंट इधर डिवाइड होता है, कुछ करंट इधर डिवाइड होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आता है ना सेंटर पे, दैट कम्स एट 0। तो फर्स्ट ऑप्शन की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए अब अपन इसमें बात करें, तो इस वाले केस में दो टाइप, एक ऊपर वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक नीचे वाले की वजह से होगा। यस सर, तो ऊपर वाले में करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और अंदर वाले में करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऑब्वियसली सबट्रैक्शन होगा फिर। यस सर, तो ऊपर वाले की वजह से तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2a, साथ में इसने सेंटर पे जो एंगल फॉर्म किया है, दैट एंगल इज 2π - थीटा, सो इट इज 2π - थीटा डिवाइडेड बाय 2π माइनस में म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2a, साथ में थीटा अपॉन 2π। तो म्यू नोट आई अपॉन 4π है, तो कॉमन आ गया, म्यू नोट आई, आई स्मॉल है, डिवाइडेड बाय 4π। This value comes as 2π minus में 2 theta. Yes, sir. तो 2 भी common ले लें, that value is pi minus theta. तो ये 2 तो सही हो गया. So this value is mu not I divided by pi, 2πa, साथ में pi minus theta. theta. तो यदि अपन यहाँ से correct answer देखें, तो इसका जो correct answer है, second वाला भी correct answer. चलिए जी सर, next question की बात करते हैं, question number 3. Third question के अंदर देखते हैं, infinite long solenoid having a n terms per unit length is shown in figure, the magnetic field at point P. देखो, इस P point पे अपने को magnetic field देखना है। तो इस P point को अगर ये infinite पे है, इसका मतलब ये infinite पे होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये theta 1 जो हो रखा वो 0 degree अपन ले सकते हैं, ठीक है? और ये यहाँ से अपन join कर दिए, तो ये जो angle होगा theta 2, इसकी value अपन क्या रखेंगे? देखो, ये r distance है, और ये यहाँ पे 90 degree देखें तो ये भी r है, ठीक है? तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेंगे, इसका मतलब थीटा 2 की वैल्यू हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है? तो B पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, B P इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, म्यू नॉट n I by 2 cos थीटा 1 minus cos थीटा 2 रखेंगे। तो यहां पे थीटा 1 की वैल्यू 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 1, और ये cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n I by 2 into 1 minus 1/√2, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर है, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है टू सर्कुलर कॉइल्स x एंड y हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरी इक्वल करंट्स इन द सेम सेंस,
and the subtend same solid angle at point O, if the smaller coil acts midway between O and Y, then if we represent the magnetic induction due to bigger coil Y at O is BY and due to smaller coil X at O as BX, then BY upon BX ka ratio apne ko calculate karke batlana hai. To simply, yadi main kisi bhi coil ki baat karta hun, jisme se current flow kar raha hai I, radius hai bhi R aur axial point ki distance X hai. To iski wajah se magnetic field hota hai mu not Ni R square divided by twice R square plus X square raised to the power 3 by 2. Yes, sir. तो सबसे पहले स्मॉलर कॉइल जो है वो अपनी x है, तो यदि bx की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ रही है म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर, रेडियस तो इसकी स्मॉल आ रही, तो कैपिटल आर ले लेते हैं उसको, डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल x, ये डिस्टेंस है d बाय 2, तो ये d बाय 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2. तो डाटा को थोड़ा सा अरेंज करके लिखे म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 का पावर 3 बाई 2, दिस वैल्यू इज 2 बाई 8 एंड दिस इज 4 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2. तो ये डाटा अपने पास कैंसिल आउट हो गए, दिस कम्स एज म्यू नोट 4 म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2. अब यदि मैं बीवाई की बात करता हूं तो बीवाई के केस में रेडियस 2 आर है, बाकी कोई चेंज नहीं, डिस्टेंस और जो सेपरेशन है वो डी है, ऐसा कुछ केस है कि ये सेपरेशन डी है और इसकी रेडियस 2 आर है. यस सर. तो बी वाई की वैल्यू मेरे पास आएगी म्यू नोट एन आई इनटू में 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, इट इज 4 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यस सर. रेज टू द पावर 3 बाय 2. यदि अपन इसको देखें तो ये 4 म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर, ये वाला भी 4 ऊपर आ रहा है, मतलब ये वाला डाटा जो सिंपली अपन बोल सकते हैं दिस इज बी एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इधर वाला डाटा अपने पास बी वाई के इक्वल आ रहा है. यस सर. और अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, BY और BX का, BY और BX का रेशियो कैलकुलेट करना, देन BY / BX कम्स एज 1/2. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5. टू वायर AO एंड OC कैरी इक्वल करंट I as shown in फिगर 1 एंड ऑफ ए बोथ वायर एक्सटेंडेड टू इनफिनिट. यहां पे देखो दोनों वायर को हम इनफिनिट कंसीडर कर रहे हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P on the bisector of the these two wires at distance r from the point O. देखो हमारे पास से ये एंगल जो है वो अल्फा गिवन है, तो बाइसेक्टर है इसका मतलब ये और ये दोनों अल्फा बाई 2 हो जाएगा. हमारे पास यहाँ से हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सपोज दैट हम ए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है सर, और ये एंगल जो है वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये इनफाइनाइट पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरा एंगल जो हम लेंगे वो आप 90 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, साइन अल्फा बाई 2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज ए बाई हाइपोटेनियस आर, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन अल्फा बाई 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई. तो एक के जो एंड है वो इनफाइनाइट पे है, तो 90 डिग्री रखेंगे तो जनरली एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है उस पे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 और यू कैन से बीटा. तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए की वैल्यू रखेंगे साइन आर साइन अल्फा बाई 2 आर साइन अल्फा बाई 2 एंड दिस इज कॉस अल्फा बाई 2 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस 90 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो हो रहा है बिल्कुल. तो ऐसे एक एक सेगमेंट की बजाय दो सेगमेंट्स है अपने पास, तो ये वाला भी है दो, ये वाला भी है. यस सर. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस. यस सर. 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस वैल्यू कम्स एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साथ में साइन अल्फा बाई 2 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. यस सर. अच्छा बाकी इसमें अपन डायरेक्शन बताना चाहे ना, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो भी आउटवर्ड. तो दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सेम. तो टोटल जो अपन करेंगे वो एडिटिव हो जाएगा. बिल्कुल सर. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.
Sixth way, I carry that a current I is uniformly distributed over the cross section of a long hollow cylindrical wire of inner radius capital R1 and outer radius capital R2. Magnetic field B varies with the distance R from the axis of cylinder. मतलब केस कुछ ऐसा है कि यहां पर मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका इनर पोर्शन कैपिटल R1 रेडियस तक तो है होलो, यस सर, आउटर पार्ट में बात करें तो कैपिटल R2 रेडियस तक में यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, लेट सपोज द करंट डेंसिटी इज J, यस सर, और उसके बाहर कुछ है नहीं, तो यदि मैं इसके इनसाइड में बात करता हूं तो इनसाइड में जब भी अपन लूप का फॉर्मेशन करेंगे मतलब MPH circuitual law जब अपन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल B dot dl होता है mu not into summation of I enclosed तो इस केस में इनसाइड में कुछ है ही नहीं, तो इनसाइड में मतलब जब मैं कहूं कि when small r less than equal to capital R1 magnetic field is zero, अच्छा small r greater than equal to capital R2 की यदि अपन बात करते हैं तो उस वाले केस में magnetic field B into में 2 pi r, भैया अपन इस वाले केस की बात कर रहे होंगे बिल्कुल इसके आउटसाइड में जा रहे हैं तो B into 2 pi r is equals to mu note into में इसमें से करंट, तो इसमें से करंट है J, this is pi capital R2 square minus R1 square, this will be the current, yes sir, तो ये जो करंट इनसाइड में इसमें से फ्लो कर रहा है that is a constant quantity, constant मतलब ये डिस्टेंस के साथ आउटसाइड में कोई वेरिएशन नहीं है, yes, जो फ्लो करना है वो इस वाले फ्रेगमेंट इस वाले पोर्शन से ही करेगा, yes sir, तो हमारे पास इस केस में B की जो वैल्यू आती है That is inversely proportional with the distance. मतलब outside में inversely proportional है. Yes sir. Capital R1 तक zero है. अब हमें बात करनी है. जैसे अपन यदि इसके options से बात करें ना, तो options से बात करने पर एक तो जो correct answer मेरे पास आ रहा है, first हो सकता है, second हो सकता है, और fourth हो सकता है. Third वाला option तो वैसे ही incorrect है. अच्छा जी. अब उसके बाद magnetic field की बात करें, तो उसका variation किस type से होगा? R1 to R1 के लिए. Capital R1 से capital R2 में. तो हमने कहा मान लो अपन एक पोर्शन अज्यूम करते हैं कैपिटल R1 से लेकर स्मॉल r तक का, तो ये चलेगा B इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज दैट इज J इंटू में पाई r स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर, यस सर, यदि मैं इस वाले केस में स्मॉल r के प्लेस पर कैपिटल R1 पुट करूंगा तो मेरे को पता है कि कैपिटल B जो आना है वो जीरो आना है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्टार्टअप होगा ना वो जीरो से होगा कैपिटल R1 के बाद, तो जीरो से होगा तो सर या तो ये हो सकता है फिर ये वाला पोर्शन हो सकता है, अच्छा फिर उसके बाद आगे बात करें तो आगे बात करने पर B की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास म्यू नॉट इनटू में J इनटू में स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू स्मॉल r, यस सर, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, यस सर, बाकी बेटा आप यदि चेक करना चाहते हैं कि ग्राफ इसी टाइप से कैसा है तो यू कैन चेक फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, इस केस में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, यस सर, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन of the paper as shown in figure, the variation of magnetic field B along the x axis is given by. अगर अपन इस वायर को देखें तो इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इधर की तरफ वाले जो पॉइंट होंगे तो उनमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और इसकी वजह से भी कुछ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों की वजह से हो गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है बी नेट मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा 1 बाई आर के, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, और अब हम दोनों के मिडवे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां बिल्कुल क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बिल्कुल तो वो पॉइंट बिल्कुल मिड में एग्जिस्ट करेगा, यस सर, और करंट का दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, और अगर अपन बात करें इसकी वजह से तो इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो डाउनवर्ड जा रहा है और इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया मिड पॉइंट पे। अब इससे इधर की तरफ देखेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा, मोर इफेक्टिव रहेगा, और इसका जो इधर जो रहेगा वो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो मोर इफेक्टिव रहेगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमारे पास, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इससे माइनस हो जाएगा, और
पॉजिटिव रहेगा और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर कंटिन्यूसली इसके वजह से क्या रहेगा, डाउनवर्ड इंक्रीजिंग रहेगा और डिस्टेंस इधर जाएंगे तो इससे डिस्टेंस कम होती जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड्स इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन में और नीचे की तरफ, और इस पॉइंट से इधर की तरफ जाएंगे तो इसकी वजह से भी अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वजह से भी अपवर्ड डायरेक्शन में, नेक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का एड हो जाएगा और डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। बिल्कुल सर, मतलब एक सीधा सा प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है। यस, आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देख के डायरेक्टली ठीक हो सकता है। तो वैसे भी जेई के पेपर में यदि अपन बात करें अब तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना तो आएगा नहीं। यस सर, आपको केवल और केवल ऑप्शंस पहचानने, तो फील्ड आइडेंटिफाई करो किस फील्ड में किसकी वजह से किस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव है और डायग्राम आइडेंटिफाई करो, मैग्नेट्यूड पे अपन बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है टू आइडेंटिकल वायर्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ईच ऑफ लेंथ स्मॉल एल कैरी द सेम करंट कैपिटल आई, वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, वायर बी इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, इफ बी एंड बीबी आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली देन वैल्यू ऑफ बी एंड बीबी। मतलब केस कुछ ऐसा है कि एल लेंथ का वायर और उससे अपन ने बना दिया एक सर्किल। yes, sir. इसका मतलब यदि उस सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है तो 2πr इज इक्वल टू एल होगा, मतलब आर की वैल्यू जो होगी वो एल अपॉन 2π होगी, रिप्लेसमेंट के टाइम काम आएगा। yes, sir. तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दैट इज 2l अपॉन 2π, सो दिस वैल्यू कम्स एज पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरे पास ए की वजह से। yes, sir. यदि मैं बी वाले केस में बात करता हूं तो अपन ने एक स्क्वायर फॉर्म किया है, स्क्वायर की साइड लेंथ है ए। अच्छा, अब यदि अपन बात करें तो हर एक वायर के लिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, वैसे कंपैरिजन करना हमने को मैग्नीट्यूड लेना। अच्छा हाँ, चलो बिल्कुल सर, यदि हर एक वायर की वजह से कंपैरिजन करें तो हर एक वायर ये वाला एंगल सबके लिए 45 45 45 45, मतलब एंगल सबके लिए सेम आ रहे होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक वायर के लिए सेम होगी और इसका जो डायरेक्शन होगा इसकी वजह से भी आउटपुट, 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 चारों की वजह से आउटपुट होगा, तो नेट की जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 times कर देंगे अपन। यस सर, तो बी बी की यदि मैं बात करूं दैट इज 4 times म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4π इंटू ए बाई 2 साथ में 2 times ऑफ साइन 45 प्लस साइन 45। यस सर, तो ये डाटा 4 तो सही हो गया। साइन 45 होता 1/√2, क्योंकि साइन 45 प्लस साइन 45 तो 2, ये 2 इनटू 1/√2, दिस वैल्यू इज √2, सो दिस कम्स एज 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, वैल्यू अपने से जो वैल्यू हम लोग L/4 पुट करेंगे, ए की वैल्यू L/4 पुट करेंगे, BA अपॉन BB की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है जी, ए की वैल्यू जैसे ही L/4 पुट करेंगे क्योंकि 4A इज इक्वल्स टू L होगा, सो ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस वैल्यू कम्स एज 8√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। हमें कैलकुलेट करना बी ए अपॉन बीबी, तो बी ए अपॉन बीबी दैट वैल्यू कम्स एज, न्यूमरेटर में तो पाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया 8√2। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल 2011 के अंदर आया हुआ है जेईई, क्योंकि हमने जिस गुरुनीति में लगभग जितने भी क्वेश्चंस रखे ना वो प्रीवियस ईयर वाले ही लगभग, मतलब जिस पुराने साल एग्जाम ओरिएंटेड, तो अपन बात को एग्जाम ओरिएंटेड कर पाए ना कि मैग्नेटिक फील्ड की किस टाइप की कैलकुलेशंस एग्जाम में पूछी जाती है। ये सर चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। अलोंग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड एज ए स्पाइरल और एन टर्न्स, the spiral has inner radius a and outer radius b, the spiral lie in xy plane, the steady current I flow through the wire, the z component of a magnetized field at the center of spiral। तो यहाँ पर देखो हमारे को n terms given है और हम यहाँ इसके center से r distance पे dr length का एक छोटा सा element consider करते हैं। ठीक है, तो इस डी आर लेंथ का जो थिकनेस का जो एलिमेंट अपन ने कंसीडर किया है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स देखने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से ए से बी तक डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन और ये हो जाएगा बी माइनस ए, और
अपन ने जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसकी थिकनेस क्या ली है हमने डी आर, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ गए हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ गए और एक टर्न जो है वो आप सर्कुलर लूप मान सकते हैं। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है आई अपॉन में टू आर होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें उसके नंबर ऑफ टर्न्स से तो नंबर ऑफ टर्न्स से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो एक इस डी आर थिकनेस के अंदर जितने लूप्स हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक इसको अपन मान लेंगे डीबी, ठीक है। जी इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू एन, एन की वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नोट आई एन अपॉन में टू बी माइनस ए और डी आर बाई आर, ये वन बाई आर इंटू डी आर कर देंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया था उसके अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, विच इज ये सारा जो है वो कॉन्स्टेंट, तो म्यू नॉट आई इंटू एन बाई टू बी माइनस ए, इसको आप बाहर रखेंगे और वन बाई आर जो है इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे आर के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा लिमिट लग जाएगी म्यू नॉट, हाँ लिमिट हम ए टू बी पुट करेंगे, जो एक्चुअली रेडियस की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे इनर रेडियस जो थी ए थी और आउटर रेडियस जो थी वो बी थी, तो म्यू नॉट इसको आगे अपन सोल्व करते हैं एन इंटू आई बाई टू बी माइनस ए, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर और लिमिट रख देंगे तो बी बाई ए लोअर लिमिट हायर लिमिट बी, तो ये क्या हो जाएगा एल एन बी माइनस एल एन ए हो जाएगा। लोग m माइनस n, लोग m बाई n रख सकते हैं और ये मल्टीप्लीकेशन में म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, तो ये म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए और इनटू में एल एन बी बाई ए, तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर आ रहा है। यदि करेक्ट आंसर की बात करें देन तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट। चलिए जी सर, ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। ए सिमेट्रिकल स्टार शेप्ड कंडक्टिंग वायर लूप इज कैरिंग ए स्टेडी करंट आई एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्टार इज 4a। यदि डिस्टेंस 4a है, बहुत सिंपल सा अप्रोच लगाना है, तो ये वाली डिस्टेंस a होगी, ये वाली डिस्टेंस a होगी, ये वाली डिस्टेंस ए होगी और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी अपने पास ए हो जाएगी। भाई सिंपली इसमें सोचो, देखो जैसे ये ट्रायंगल दिखता है ऐसा ही एक ट्रायंगल यहां भी तो बन सकता है, यस सर, ऐसा ही एक ट्रायंगल यहां भी तो बन सकता है, तो हर केस में तो वर्टेक्स से दूसरे वाला जो बेस है इसका वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखनी, तो हर केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अपने पास ए आ रही। चलिए जी सर, अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ वायर्स जो है 1 2 3 4 5 6 6 इधर, तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स 12 है, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिंगल वायर की वजह से कैलकुलेट कर देंगे और उसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर। चलिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बात स्टार्ट करें आगे। भाई केस कुछ ऐसा, जैसे मैं किसी एक वायर की यहां पर बात करता हूं और सिस्टम जो है अपना वो सिमेट्रिकल है, अपना सेंटर है यहां, यदि यहां से मैं बात करूंगा ना तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल के पास 30 डिग्री आएगा, और यदि मैं वायर से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा। सिमिलरली वायर को अपन एक्सटेंड कर दें इधर, तो ये वाला एंगल है 90, यस सर, अच्छा जी, फिर इधर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल फिर से 30, यस सर, ये 30, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है एक्चुअली कि ये 30 है सर, तो ये तो 90 है ही, ये वाला एंगल हो गया 60, यस सर, मतलब वापस से रीड्रॉ करें तो अपना वायर है यहां तक, उसके बाद अपन ने वायर को किया एक्सटेंड, हमारा सेंटर जो है वो है यहां, सबसे पहला वाला एंगल जो है वो ये वाला है 30 डिग्री, यस सर, और दूसरा वाला ये जो एंगल है ये वाला एंगल है 60 डिग्री, और वायर से सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज ए। आई थिंक अब ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, यदि मैं बी की कैलकुलेशन करूंगा दिस कम्स एज 12 सिंगल वायर की वजह से म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, यस सर,
ओके फिर साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, लेकिन जैसे इधर देखे तो ये वाला एंगल 60 है, दूसरा वाला एंगल दूसरी साइड में होना चाहिए था, लेकिन ये इधर है, तो हम इस केस में यूज करेंगे साइन 60 माइनस साइन 30। यदि ये इधर होता तो अपन लेते साइन 60 प्लस साइन 30, लेकिन दोनों सेम साइड में, तो स्मॉलर एंगल के लिए अपन माइनस यूज में लेते हैं। तो ये वाला डाटा जो है ये अपने पास आ गया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए 6 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट लूप। तो यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं सर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बस ज्योमेट्री के थ्रू इस क्वेश्चन में डराने की कोशिश की गई थी, 2017 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा अप्रोच था कि एक वायर को देख लो फिर खेल खत्म है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया that a cylindrical cavity of diameter a exists inside a cylinder 2a as shown in the figure. Cylinder of diameter 2a as shown in the figure, both the cylinder and the cavity are infinitely long. A uniform current j flows along the length. If the magnitude of magnetic field at point p is given by this, then the value of n apne ko calculate karna hai. Matlab question actually kuch aisa hai ki ye ek cylindrical wire hai jiski radius hai a, और हम इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, कैविटी को माइनस करेंगे। तो अभी एग्जैक्टली कंप्लीट वायर होता तो मैं निकाल लेता हूं। तो ये डाटा मेरे पास आता है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। फॉर्मूला है, वैसे अपन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल से भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आई जो है इसमें से टोटल करंट है, तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आएगी दिस इज म्यू नोट आई के प्लेस पर आ जाएगा जे इंटू पाई ए स्क्वायर, करंट डेंसिटी जे है और कंप्लीट का एरिया पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। अच्छा जी, तो पाई तो सही हो गया और एक ए सही हो गया, तो ये डाटा आ गया म्यू नोट जे ए डिवाइडेड बाय 2। ये तो गया कंप्लीट की वजह से। अब मैं कैविटी वाले पोर्शन की वजह से देख रहा हूं, तो कैविटी वाला जो पोर्शन है उसकी रेडियस है ए बाय 2 और उसके सेंटर से यहां वाली ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आएगी 3a बाय 2। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे म्यू नोट इनटू 2 पाई इनटू में 3a बाय 2 So this is 1 by 2, this is 1 by 12, so 6 by 12, 1 by 12, 5 by 12. So 5 mu naught JA divided by 12. Comparison se dekhenge, to ye wali value N mu naught JA by 12 se bata rakhi hai. Yadi apan compare karenge, to N ki value jo apne paas aayegi, that comes as 5. Yes. So 5 is the correct answer for this question. Haan, to question number 12 ki baat karte hain apan. Magnetic field at point P due to following distribution is... देखो हमारे पास ये जनरली एक ये करंट दिया हुआ है और इसमें करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल, और इनफाइनाइट लॉन्ग अगर अपन कंसीडर करें क्योंकि इसकी लेंथ अपने को गिवन नहीं है, तो इनफाइनाइट लेंथ अपन कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस आर के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, ठीक है, अपन देखेंगे तो बिल्कुल। और इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से अंदर की तरफ करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे देखो इससे पी से इस वायर की सेम है, और दूसरी चीज करंट का जो अमाउंट है वो दोनों में सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ इसके आर के परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा, ठीक है सर। मैग्नीट्यूड इसका भी क्या रहे हैं, सेम सेम। हम इसको एंगल थीटा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इस पी के ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल जो रहेगा वो थीटा रहेगा, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा और इधर की तरफ जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, हम यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा और दूसरा इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू 2 बी साइन थीटा, ठीक है। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 2 इंटू बी जो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई
आर इंटू साइन थीटा. देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, ए बाई आर पुट करेंगे और ये टू से टू कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू आर ए बाई आर रखेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई इंटू ए बाई पाई आर स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ए बाई पाई आर स्क्वायर. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, three identical long solenoid PQR connected to each other as shown in figure. The magnetic field at the center of a P. P के center पे जो magnetic field है वो B is equal to given है, BP is equal to 2.0 tesla. ठीक है, अगर अपन solenoid के center पे magnetic field देखें तो B जो होता है वो directly proportional to हम current बोल सकते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पर यूनिट लेंथ पे तीनों क्या है सेम है, तीनों आइडेंटिकल लॉन्ग सॉलिड्स बोलते हैं तो सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा. अब आगे बात करें ये क्यू और आर जो है दोनों सीरीज में सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके साथ सीरीज में, तो यहाँ पे इसमें करंट जो थी वो मान लो आई है, तो ये जो करंट है वो आई बाई टू और आई बाई टू इनमें क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो इसका मतलब जो इसके अंदर क्यू के अंदर और आर के अंदर दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी I by 2 हो गया, इसका मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा BP by 2 हम रखेंगे तो ये 1 टेस्ला हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. तो 14 के डायग्राम में थोड़ा सा ना डायग्राम से इससे अजीब सा लगता है, बाकी ये डायग्राम एक्चुअली कुछ ऐसा है बेटा कि ये अपने पास एक सर्किल है, चलिए कोई ये अपने पास एक सर्किल है, कलर चेंज कर रहा हूं ब्लैक कर, और ये वाले पोर्शन में वायर नहीं है. एक्चुअली वायर जो है वो इस टाइप से आया, इस टाइप से बेंड हुआ और वायर जो है वो फाइनली इस टाइप से चला गया टेंजेंशियल, ये इस टाइप से है. और ये जो एंगल दिया गया है सेंटर पे, ये वाला एंगल दिया गया थीटा, करंट इधर से आया ऐसे आया ऐसे गया, ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट नहीं है, मतलब जैसे इस डायग्राम में लग रहा है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सच दैट कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आए दैट इज जीरो. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आने के लिए तीन पोर्शन है अपने पास, फर्स्ट दिस वायर, देन दिस वायर, देन दिस वायर. यदि इस वायर की वजह से मैं बात करता हूँ ना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा आउटवर्ड आउट, और इस वाले वायर की वजह से भी जो स्ट्रेट पोर्शन है उनकी वजह से बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से आ रहा आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आ रहा आउटवर्ड, और इसकी वजह से जो आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, मतलब इन दोनों का समेशन इसके इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा. तो वहां से यदि अपन बात करें तो इस लॉन्ग वायर की वजह से और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बट उसके एक एंड पे है, तो एक एंड पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो दोनों की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये वाला डाटा जो है दिस विल बी 2 टाइम्स, और ये इक्वल होना चाहिए इस लूप की वजह से, तो इस लूप की वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर साथ में थीटा अपॉन 2 पाई. सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है यदि ज्योमेट्री पे ध्यान से देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट वैल्यू इज 2, और ये डिग्री नहीं है, दिस इज इन रेडियन. So correct answer for this question is 2 radian. चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं, question number 15 की बात करें. Empyrean loop पे question है ये. Figure shown in cross section several conductors that carry current through the plate of the figure. The current have the magnitude I1 is equal to 4 and I2 is equal to 6 and I3 is 2 ampere in direction as shown in figure. 4 path level A to D are shown. What is the line integration B vector dot DL vector for the each path, each integral involves going around the path in the counterclockwise. Counterclockwise का बड़ा importance है थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखें अपन, तो मतलब counterclockwise का role ये रहता है कि यदि अपन loop को counterclockwise consider करते हैं, yes sir, तो outward जो currents होती हैं उसको वो line integral में positive, yes sir, और inward को लेते हैं negative, yes sir. यदि अपन loop को clockwise consider करते हैं तो इनसाइड की जो करंट रहती है इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर किसको तो पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले, यदि आप काउंटर क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो इनवर्ड करंट पॉजिटिव होंगी सर. चलिए अपना राइट हैंड का थंब बिल्कुल रहेगा उधर पॉजिटिव है, तो ये इंटीग्रल
is equal to mu naught into summation of I. तो फर्स्ट जो लूप था उसके अंदर यहाँ पर देखा जाए तो कोई करंट ही नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइन इंटीग्रल फॉर ए, ये ए लूप के लिए हम कंसीडर करते हैं। और नेक्स्ट जो बी है, बी ये वाला है एक्चुअली, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये बी है और ये जो करंट की डायरेक्शन है ये इनवर्ड डायरेक्शन है जी। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या रहेगा, इनवर्ड है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी वेक्टर डॉट ए डीएल वेक्टर फॉर इंटीग्रेशन फॉर बी, अपन कंसीडर कर लें इसको, ये बी के लिए है तो ये माइनस ऑफ म्यू नॉट इनटू आई1 के इक्वल कर देंगे। देखो यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू अपन 4 पाई * 10 टू द पावर -7 रखेंगे और आई1 की वैल्यू आई थिंक 4 एम्पीयर तो इसके लिए ये I1 और I2 दो करंट हो गए, ये रहेगी माइनस और ये रहेगी प्लस, तो ये माइनस 4 है और ये क्या है प्लस की 6 रहेगी, तो नेट क्या हो जाएगा इनटू 2 एम्पीयर अपन डायरेक्टली लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 2 इनटू म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा और पॉजिटिव आंसर आएगा। और पाथ बी के लिए, बी के लिए देखेंगे तो यहां पे ये 6 एम्पीयर है और ये 2 एम्पीयर है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये नेगेटिव रहेगी माइनस 4, तो अपना जो आंसर रहेगा वो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन फॉर डी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू नेट करंट कितना हो जाएगा, 8 पॉजिटिव और माइनस 4 मतलब 4 एम्पीयर रखेंगे, तो म्यू नॉट की वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला दैट करंट आई फ्लोज इन ए सर्किट शेप्ड लाइक एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, the ratio of base is 2, ratio of base 2 दे रखा है, अच्छा एक्चुअली ये पॉइंट जो है ना P यहाँ है और ये डिस्टेंस A है, थोड़ा सा इधर से हो गया, रेशियो ऑफ बेस 2 दे रखा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ना मेरे पास, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी दिस डिस्टेंस विल बी 2 a, अच्छा जी सर। फिर मेरे को कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द ट्रेपेजियम बट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलर बेस। चलिए जी सर तो अपन डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे ये अपने पास ट्रेपेजियम, करंट के डायरेक्शन की यदि अपन बात करें तो इसमें से इधर और इसमें से इधर, पॉइंट पी जो है उसकी लोकेशन मेरे पास यहां पर है, ये डिस्टेंस जो इसकी है दिस डिस्टेंस इज ए और ये वाली जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 2 ए, और मेरे को मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है और ये लेंथ जो गिवन है ये L गिवन है तो ये L by 2 हो जाएगी और ये भी L by 2 हो जाएगी। यस सर। अच्छा यदि मैं चार सेक्शंस बना लूं 1, 2, 3 और 4 तो 1 ये वाला एंगल दोनों के लिए 1 और 3 दोनों के लिए थीटा होगा, थीटा थीटा चलेगा और 2 और 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा 0 बिकॉज करंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे अभी अपन बात करते हैं ना तो पॉइंट P उसके ऊपर ही आ रहा है, yes. वायर को एक्सटेंड करने पर वायर पर ही आ रहा है, तो 2 की और 4 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। अब अपन B 1 और 3 की वजह से देखें तो 1 की वजह से आता है इनवर्ड और 3 की वजह से आ रहा है आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, यस सर, तो P पर इनवर्ड 1 की वजह से और 3 की वजह से आउटवर्ड, तो B1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं यदि मैं तो B1 की वैल्यू तो आती म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2a साथ में 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट आई sin थीटा / 4 पाई, यस सर। सिमिलरली यदि B3 की वैल्यू देखता हूं मैं that value comes as mu not I upon 4 pi into a perpendicular distance a साथ में 2 sin theta, तो 2 times cancel out, yes sir, तो obviously b3 greater है b1 से, तो net जो होगा b3 के direction में होगा, yes sir, और value ये आ रही है mu not I upon 2 pi है, this is mu not I upon 4 pi है, तो b total जो आएगा that is b3 minus b1 half minus 1/4, तो 1/4 आएगा, तो mu not I sin theta divided by 4 pi a अपने पास आ गया। अब sin theta की value put करनी है, yes sir, साइन थीटा की यदि अपन बात करें तो इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है एल बाई टू, सो दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस एंगल इज थीटा, सो साइन थीटा इज एल बाई 2 डिवाइड बाई दिस, सो साइन थीटा अपने पास आ जाएगा एल
डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर. तो मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास आ रहा है दिस इज कमिंग एज म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साथ में एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में फोर ए स्क्वायर. दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ट्रेपेजियम एट पॉइंट पी. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. There are two infinite plates shown in the cross section in figure carry lambda ampere of current out of the piece. Outward direction है current की. Per unit width of plate find the magnetic field at point P and Q. देखो P points जो है इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर outward direction में current है तो यहाँ पर outward direction में current रहेगा तो यहाँ पर magnetic field upper जो plate है इसकी वजह से कुछ ऐसा रहेगा. ठीक है और same situation इसके लिए देखेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. इसका मतलब P जो पॉइंट पे जो BP होगा उसको तो अपन डायरेक्टली जीरो बिल्कुल कर लेंगे. ठीक है सर. और अब अपन बात करते हैं Q की. तो Q की बात करें तो मैं यहाँ पर देखो एक एम्पीरियन एक अलग से बना लेते ना सर सर्किट बना के अपन. हाँ एक वायर की वजह से डिसाइड कर लेते हैं. ये हम एक क्रॉस सेक्शन ले लिया इसके अंदर ये करंट हम शो कर लेते हैं. तो हमने क्या किया कुछ ऐसा एम्पीरियन लूप कंसीडर कर. तो यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा रहेगा कुछ ऐसा. ठीक है और यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा और यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर कुछ ऐसा ये रहेगा. ठीक है तो इसके अंदर यूनिट लेंथ के अंदर अगर अपन बात करें तो वो करंट कितना दे रखा है लैम्ब्डा के बने और इसकी ये लेंथ अपन कंसीडर कर लें तो वो है सपोज दैट एल. तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का हम लाइन इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज लूप के लिए किसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इनटू टोटल करंट आई या फिर समीशन ऑफ आई हम ऐसे रखेंगे. ठीक है तो म्यू नॉट इनटू टोटल करंट यूनिट लेंथ पे लैम्ब्डा तो लैम्ब्डा इनटू एल आ जाएगा. ठीक है सर. और बी तो सब जगह क्या रहेगा अपन बी सब जगह सेम है लेकिन इस वाले मैग्नीट्यूड सेम कंसीडर करें इस वाले पोर्शन में इस वाले पोर्शन में इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में तो बी डॉट डीएल जीरो होगा. जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइन इंटीग्रल यदि डीएल देखेंगे तो डीएल वाला एलिमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है दोनों परपेंडिकुलर तो इधर तो जीरो और इन वाले केसेस में बी इनटू एल हो जाएगा. यस सर बिल्कुल सर. तो ये बी इनटू टोटल लेंथ ये एल है और बी इनटू एल इसके लिए हो जाएगा तो टू बी एल कर देंगे एल से एल कंसीडर कर दें कैंसिल कर देंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई टू. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस टाइप के पोर्शन की वजह से आता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. यस सर फ्रॉम द वायर. यस सर. चलिए सर तो ये एक प्लेट की वजह से आया तो एक बार क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं. बिल्कुल सर. तो यहाँ इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसकी वजह से दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम है और इसकी वजह से भी इधर की तरफ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दोनों की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा तो इसको सिंपली अपन क्या कर देंगे ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट इनटू लैम्ब्डा बाय 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू पॉइंट इज म्यू नॉट इनटू लैम्ब्डा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन. एक्चुअली हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं है बेटा इट्स अबाउट द कांसेप्ट की कांसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं क्या. लगभग बायो सावर्ट्स लॉ और इससे रिलेटेड जितने भी एम्पीयर्स लॉ में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अपना एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है. यस सर. तो इस गुरुनीति में हमने टोटल जो है वो 18 क्वेश्चंस ही इन्वॉल्व किए. सो सर लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्लोज अराउंड अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट व्हिच इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर. द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 8 अल्टरनेटिंग आर्क्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2. R1 और R2 दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच लगाने के लिए ना देखो इसको मैं लिख लेता हूं 2R और इसको मैं लिख लेता हूं 3R मेरे स्मॉल r इज 0.04. यस सर. अच्छा इज सबस्टेंट द सेम एंगल एट द सेंटर सेम एंगल बना रहा है और इसने 8 पार्ट्स दिए हैं 1 2 टोटल देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं. यस सर. इसका मतलब हर एक पार्ट जो है वो सेंटर पर पाई बाय 4 का एंगल सबस्टेंट कर रहा है. यस सर. और हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है तो एक यदि रेडियस r होती है तो ये होता म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 जैसे पहले वाले के लिए r1 सेंटर पे एंगल बना पाई बाय 4 का और ये आया टोटल थीटा डिवाइड बाय 2 पाई करते हैं यस सर और चार सेगमेंट्स की वजह से देखना है तो 4 यस सर प्लस में सिमिलरली म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R2 और ये वाला डाटा भी 1/8 लिख दूं मैं सीधा सीधा यस सर. अच्छा जी तो ये वाला डाटा कैंसिल आउट हुआ अपने पास 4 से
उसमें से पाई अपना और रहेगा ना। बिल्कुल सर, नहीं पाई कैंसिल हो गया सर, ये वाला पाई कैंसिल आउट हो गया, वन बाई वन सर। सो दिस इज 4 से 4 कैंसिल आउट, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर1, यस सर, एंड दिस वैल्यू इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स 4 आर2, मतलब मेरा कॉमन जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 कॉमन आ गया, दिस इज 1 बाय आर1, तो इट इज 1 बाय 2 आर प्लस 1 बाय आर2 दैट इज 1 बाय 3 आर, तो इसको अपन लिखेंगे तो दिस वैल्यू कम्स एज 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम 6 आर आ जाएगा, 6 आर * 4 4, यदि अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने पास आ जाएगा, करंट आई की वैल्यू 10 एम्पीयर गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 टेंस पावर माइनस 7 गिवन है, स्मॉल आर हमने जो कंसीडर किया दैट वैल्यू 0.04। तो ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड दिस डिस्कशन, मिलते हैं फिर अगली गुरु नीति में, और अगली बारी गुरु नीति में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स और लूप पे फोर्स, चार्ज पार्टिकल का मोशन, लूप पे टॉर्क, इनकी बात करेंगे। ठीक है डियर, थैंक यू। थैंक यू।